इस वक्त की अहम खबर, केरल के मरादू में अवैध अपार्टमेंट को ढहा दिया गया। अपार्टमेंट को ढहाने से पहले उसके आसपास के इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी। बताया गया कि शुक्रवार को मरादू में चार बहुमंजिला फ्लैटों को गिराने से पहले लोगों की सुरक्षा तय करने के लिए एक मॉक ड्रिल भी हुई। तो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं केरल के मरादू की, जहां पर अवैध अपार्टमेंट को ढहा दिया गया। ये देखिए किस तरीके से ढहाया गया। अपार्टमेंट को ढहाने से पहले उसके आसपास के इलाके में धारा 144 लगा दी गई। दरअसल इसलिए ताकि लोग यहां पर इकट्ठा ना हो सके, क्योंकि अगर बिल्डिंग ढहेगी, अपार्टमेंट ढहेगा, तो जाहिर तौर पर कोई इसकी चपेट में ना आ जाए, इसके एहतियात के तौर पर इसलिए धारा 144 लगाई गई थी। बताया गया कि शुक्रवार को मरादू में चार बहुमंजिला फ्लैट्स को गिराने से पहले लोगों की सुरक्षा तय करने के लिए बाकायदा एक मॉक ड्रिल भी हुई, जिसके जरिए ये जानने की और समझने की कोशिश हुई कि अगर इस अपार्टमेंट को ढहाया जाता है तो कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कोई इसकी चपेट में ना आ जाए। अवैध अपार्टमेंट ये बताया जा रहा है जिसको ढहा दिया गया, लेकिन उससे पहले वो तमाम तैयारियां की गई जो बेहद जरूरी थी। इसके चलते धारा 144 लगा दी गई थी। शुक्रवार को एक मॉक ड्रिल भी हुआ था। चार बहुमंजिला फ्लैट्स को गिराने से पहले लोगों की सुरक्षा बाकायदा तय करने के लिए इस मॉक ड्रिल को किया गया था, और उसके बाद आज इसे ढहा दिया गया। केरल के मरादू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से अवैध अपार्टमेंट को ढहाया गया। देखते ही देखते एक ही झटके में अपार्टमेंट ढहता चला गया, लेकिन उससे पहले एहतियात के तौर पर आसपास धारा 144 लगाई गई थी ताकि लोग वहां पर इकट्ठा ना हो सके, इसकी चपेट में ना आए। एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया था। एहतेशाम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। एहतेशाम, शुक्रवार को एक मॉक ड्रिल भी हुई थी, सुरक्षा तय करने की कोशिश हुई थी, और उसके बाद अब इस अवैध अपार्टमेंट को ढहा दिया गया। देखिए, पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं बल्कि कई बार ये आदेश दिए कि वो जो जितने भी फ्लैट्स वहाँ पर बने थे वो इको सेंसिटिव जोन में थे और उसको ढहाना ज़रूरी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और ख़ासतौर से सरकार भी ये एक मैसेज देना चाहती थी कि जो प्राइवेट बिल्डर्स आमतौर पर कुछ कानून का फ़ायदा उठा कर इस तरह के स्ट्रक्चर खड़े कर देते हैं, तो उनको ढहाना ज़रूरी है। क्योंकि इस मरादू फ्लैट से और इसके अलावा जो मैं अभी आप कल ही देखेंगे, कल का आदेश है कि एक 7-स्टार रिसोर्ट है उसको भी ढहाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये एक मैसेज है कि जो वातावरण है उससे किसी तरह का खिलवाड़ नहीं हो सकता। हाँ, ज़रूर है कि इसमें कुछ मिडिल क्लास के भी लोग हैं जो मरादू फ्लैट के ओनर्स थे, उनको नुकसान हुआ होगा, लेकिन कोर्ट ये सख्त एक संदेश देना चाहता है कि कानून की अनदेखी करके जो वातावरण है उससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये सारे जो फ्लैट हैं और इसके अलावा जो रिसोर्ट है जिस पर कल आदेश आया है, ये सब इको सेंसिटिव जोन जो कोस्टल एरियाज के हैं उनमें पड़ते हैं, और उसमें सख्त निर्देश है कि किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इससे केरला के जो बैकवाटर्स हैं और जो कोस्टल एरियाज हैं उन पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीर अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस बहुमंजिला इमारत को गिराने का फैसला हुआ, उससे पहले बाकायदा एक मॉक ड्रिल भी की गई सुरक्षा तय करने के लिए। एहतियात के तौर पर धारा 144 भी लगाई गई थी इस बिल्डिंग को ढहाने से पहले, लेकिन देखिए मॉक ड्रिल के बाद किस तरीके से इस अवैध अपार्टमेंट को ढहा दिया गया कोर्ट के ऑर्डर के बाद। हमारे सहयोगी एहतेशाम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। क्या एहतेशाम, क्या तैयारियां इसको जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर था, इसके अलावा भी क्या कुछ और बिल्डिंग्स हैं जिनको चिन्हित किया गया, जिनको लेकर भी ऑर्डर है? देखिए, अभी तो सिर्फ दो मामले सामने आए हैं, इसके अलावा और भी कई मामले सिर्फ केरला नहीं बल्कि कई और जगहों पर भी लंबित हैं, और एक एक करके इन पर आदेश आएगा। इससे पहले भी कई आदेश आए हैं, तो जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और जहां जहां भी कंस्ट्रक्शन इस तरह से गैर कानूनी तरीके से हुआ है, वातावरण की अनदेखी करके बिल्कुल हुआ, तो फिलहाल जो दो मामले हैं जिस पर कोर्ट का ऑर्डर था उनमें से एक ही अपार्टमेंट जिसको ढहा दिया गया।